नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से केरल तबाह हो चुका है। इस तबाही का दर्द भारत ही नहीं सारी दुनिया महसूस कर रही है। 8 अगस्त से लगातार भारी बारिश होने की वजह से केरल में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। पूरा केरल बाढ़ की चपेट में है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब तक इस बाढ़ की चपेट में 350 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, मगर राहत कार्य कर लोगों की मदद की जा रही है। भारतीय नौसेना NDRF और भारतीय सेना के जवान लगे हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरह से केरल के हालात हैं उसको देखते हुए दुनिया भर से दुआओं और मदद का दौर जारी है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है एर्नाकुलम और त्रिशूल, जहां राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। हवाई दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के लिए 500 करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया। जिस तरह से केरल के हालात हैं उसको देखते हुए अब हर जगह से केरल की मदद के हाथ उठ रहे हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा अब पानी का भराव कम हो रहा है क्योंकि अब बारिश कम हो रही है, लेकिन हालात अभी भी स्थिर नहीं है। अभी भी जो केरल के हालात हैं वो बेहद खतरनाक है। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी जल भराव है और NDRF की टीम और भारतीय नौसेना की टीम राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए प्रहार टाइम्स।